सोतेली बहन और जादुई दो लहंगे। बहुत समय पहले की बात है, श्रवणपुर नामक एक गांव में गीता नाम की एक औरत रहती थी। गीता की दो बेटियां थी, अंजलि और राखी। अंजलि गीता की सगी बेटी नहीं थी। अंजलि गीता को एक पेड़ के नीचे मिली थी। अंजलि स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी, और तो और गीता कभी भी अंजलि और राखी में भेदभाव नहीं करती थी। दोनों को एक समान प्यार करती थी। अंजलि को कभी भी सौतेली बेटी होने का एहसास नहीं देती थी। लेकिन दूसरी तरफ राखी अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अंजलि से जलती थी, क्योंकि सभी लोग अंजलि की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि अंजलि बहुत ही होशियार और समझदार थी। कुछ साल पहले गीता के पति की कार हादसे में मृत्यु हो जाती है, और उनके घर में कोई भी कमाने वाला भी नहीं था। अंजलि को बहुत अच्छे अच्छे लहंगे सिलने आते थे, इसलिए वो सिलाई का काम शुरू कर देती है। लोगों को उसके बनाए हुए लहंगे बहुत पसंद आते हैं, और उसका काम अच्छा हो जाता है। अब उनका घर इसी से चलता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि और राखी का स्कूल से रिजल्ट आ जाता है। राखी का रिजल्ट देखकर गीता आग बबूला हो जाती है, और राखी को एक खींच कर चाटा मारती है। राखी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार भी फेल हो जाओगी। मैंने तुम्हारे दो दो ट्यूशन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी तुम फेल हो गई। अंजलि को देखो, वो तुम्हारी ही उम्र की है, लेकिन तुमसे चार गुना तेज है, और इस बार भी फर्स्ट आई है। और पढ़ाई करने के साथ साथ सिलाई भी करती है और घर चलाती है, और एक तुम हो जो पैसा बर्बाद करती हो। मम्मी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इसे नहीं मुझे उठाकर लाई हैं। आप ऐसा करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। पार्टी मत करो, शॉपिंग मत करो, दोस्तों के साथ मत घूमो। यही तो उम्र है, इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसी तरह राखी अपनी माँ से बहस कर रही थी। वो सब सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो राखी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, एंजॉय करने के लिए तुमसे किसने मना किया है, लेकिन शायद अभी तुम्हें पता नहीं है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। बेचारी अंजलि स्कूल जाती है और फिर रात रात भर बैठकर लहंगे सिलती है, तब जाकर दो पैसे घर में आते हैं। आज से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। जब तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं रहेगा तब तुम्हें पैसे की कीमत समझ आएगी। और अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है तो जाओ कमाओ और खाओ और एंजॉय करो। वो सब सुनकर राखी वहाँ से चली जाती है। राखी को अंजलि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज मुझे माँ ने अंजलि की बच्ची के चक्कर में मारा है। अंजलि की बच्ची, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अब तू ज्यादा दिन इस घर के अंदर नहीं टिक पाएगी। राखी अंजलि से बदला लेने के लिए एक जादूगरनी के पास जाती है, और उस जादूगरनी को सब बताती है कि वो अपनी सौतेली बहन से बदला लेना चाहती है। राखी की पूरी बात जानकर जादूगरनी राखी से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 5,000 रुपए देने होंगे, तभी तुम्हें जादुई लहंगा मिलेगा। तुम ये जादुई लहंगा उस लड़की को पहना देना, फिर देखना वो कैसे तुम्हारे वश में आ जाती है। जादूगरनी की बातें सुनकर राखी खुश हो जाती है, और उस जादूगरनी को 5,000 रुपए दे देती है, और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद राखी अंजलि को वो लहंगा पहनने के लिए बहुत जोर देती है। आखिर में अंजलि वो लहंगा पहन ही लेती है। लहंगा पहनते के साथ ही अंजलि राखी के वश में आ जाती है। सुन अंजलि, अब जल्दी से मेरी माँ के पास जा और उनकी इंसल्ट करके आ। अंजलि ने जादुई लहंगा पहना हुआ था, इसलिए वो राखी की बात मान लेती है। उसके बाद अंजलि अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ की बहुत इंसल्ट करती है। थोड़ी देर बाद राखी अंजलि को माँ पर अत्याचार करने को कहती है। अंजलि बिल्कुल वैसा ही करती है। अंजलि गीता के कमरे में जाती है और गीता के हाथ पीछे मोड़ देती है और कहती है, क्यों रे गीता, तू मुझसे प्यार में सारा काम करवा लेती है ना? अब से मैं तेरा कोई काम नहीं करूँगी, ना ही सिलाई करूँगी और ना ही घर का काम करूँगी। अब से घर का काम भी तू ही करेगी और सिलाई भी तू ही करेगी, समझ आया तुझे? चल अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए स्वादिष्ट वेज बिरयानी बना कर ला। अंजलि बेटी, तुझे अचानक क्या हो गया? तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छी बेटी समझती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बात। जल्दी से मेरे लिए वेज बिरयानी बनाकर लेकर आ, समय बर्बाद मत कर। और उसके बाद तुझे गार्डन की भी सफाई करनी है, गार्डन बहुत ज्यादा गंदा है। गीता अंजलि के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अचानक से अंजलि को क्या हो गया।
थोड़ी देर बाद गीता वेज बिरयानी बनाकर अंजलि के पास लाती है। गीता देखती है कि अंजलि ने अपने हाथ से बनाए हुए लहंगे को आग लगा दी है। तभी गीता अंजलि से कहती है, अंजलि बेटी तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया, तुमने सभी लहंगे जला दिए, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लहंगे मैंने अपने हाथ से बनाए थे और अगर मैंने जला दिए तो क्या हो गया। मौसम देखकर राखी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अंजलि के जाने के बाद राखी गीता के पास आती है और कहती है, देखा मम्मी, इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सौतेली है ना तो सौतेली ही रहेगी, चाहे इसे कितना भी प्यार करना। अभी भी समय है, आप इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो, वरना वो समय दूर नहीं जब ये हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगी। गीता बिना सोचे समझे राखी की बात मान लेती है और अंजलि को घर से बाहर निकाल देती है। अंजलि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ बदतमीजी कब की। उसको नहीं पता था कि ये सब उस जादुई लहंगे का कमाल है। दो दिन बीत जाते हैं, अंजलि को कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था। ऐसे ही वो एक जगह बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, भगवान मुझे नहीं पता मैंने अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार कब किया। ऐसा कहकर अंजलि बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो अंजलि से कहती है, मैंने तुम्हारी सभी बातें सुन ली है अंजलि, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देती हूँ जिसे पहनते ही सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। परी की बातें सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से वहाँ पर एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। अंजलि जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती है उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो तुरंत ही अपने घर जाती है और राखी से कहती है, राखी मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, अभी भी समय है, सब कुछ सच सच बता दो। अंजलि राखी से सच पूछने की बहुत कोशिश करती है लेकिन राखी सच नहीं उगलती। तभी उस जादुई लहंगे में से तेज रोशनी प्रकट होती है और अगले ही पल राखी सारा सच बताना शुरू कर देती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद गीता राखी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, राखी मुझे नहीं पता था तुम अंजलि से इतनी नफरत करती हो, और तो और तुमने इसको घर से बाहर निकलवाने के लिए जादूगरनी की मदद भी ली। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर परी अंजलि को दूसरा जादुई लहंगा नहीं देती तो शायद आज सच मेरे सामने ना आ पाता। राखी अपनी माँ से माफ़ी मांगती है लेकिन गीता उसकी एक नहीं सुन रही थी। तभी अंजलि कहती है, माँ कोई बात नहीं, इसको एक मौका दे दीजिए, गलती इंसान से ही होती है। अंजलि के कहने पर गीता राखी को माफ कर देती है। अब दोनों सौतेली बहन सगी बहनों की तरह एक साथ घर में हंसी खुशी रहने लगी। जादुई गोल्डन झरने का जादू। आनंदपुर नाम के एक गांव में सुशीला नाम की औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। सुशीला की बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी बेटी का नाम सोनिया था। आरती जब पैदा हुई थी तब आरती को देखकर सुशीला का मन छोटा हो गया था क्योंकि आरती जन्म से ही बहुत काली थी। सुशीला को गोरा बच्चा चाहिए था। कुछ टाइम बाद सुशीला की छोटी बेटी ने जन्म लिया। अपनी छोटी बेटी को देख सुशीला बहुत खुश थी क्योंकि उसे जैसा बच्चा चाहिए था उसकी छोटी बेटी सोनिया बिल्कुल वैसे ही थी। समय के साथ साथ वो दोनों बड़ी हो गई। सुशीला ने अपनी बड़ी बेटी को कभी छोटी बेटी जितना प्यार नहीं दिया। वो हमेशा अपनी छोटी बेटी को ही सारी खुशियाँ देती थी। आरती के साथ वो वैसा व्यवहार करती थी जैसा कि कोई सौतेली माँ भी ना करती हो। एक बार की बात है, सुशीला आंगन में बैठकर लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को काटकर छोटा कर रही थी। कड़ी धूप की वजह से उसको बहुत प्यास लग जाती है। वो कहती है, सोनिया, ओ सोनिया, एक ग्लास पानी देना तो। सुन रही हो बेटी, एक ग्लास पानी दे दो, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। घर के अंदर आरती पोछा लगा रही थी और सोनिया आराम से सो रही थी। सोनिया को सोता देख आरती ग्लास में पानी भरकर अपनी माँ को देने जाती है। ये लो माँ, पानी पी लो। छी छी, तू अपने गंदे काले हाथों से पानी लेकर क्यों आई है मेरे लिए? मैंने अपने हाथ धो लिए हैं माँ, मैं गंदे हाथों से पानी लेकर नहीं आई हूँ। अरे तेरे हाथ तो कुदरती गंदे हैं, जो पानी से धोने पर कभी साफ नहीं होंगे। तुझे जितना कुछ ना कहो उतना सर पर चढ़ जाती है तू। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? तेरे से जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। सोनिया सो रही थी माँ, इसलिए मैं आपके लिए पानी ले आई।
नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का पानी, समझे तुम? ऐसा कहकर सुशीला आरती के हाथों में रखा पानी का गिलास जमीन पर गिरा देती है। आरती को इस बात का बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर सोनिया आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू जाकर आराम कर ले। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, अब शोर मत होने देना, नहीं तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू जाकर आराम कर, अब शोर नहीं होगा। उसके बाद सोनिया वहाँ से चली जाती है और जाकर सो जाती है। फिर सुशीला आरती से कहती है, एक काली मनुष्य, तूने पोछा लगा लिया? हाँ माँ। चल ठीक है, अब यहाँ बैठकर ये लकड़ियाँ काट दे। क्या मुसीबत है, ना जाने कब इस लड़की से छुटकारा मिलेगा मुझे। आरती बेचारी धूप में लकड़ियों को काटने लगती है। थोड़ी देर बाद सुशीला फिर से आरती को आवाज लगाती है। आरती फौरन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है। तब सुशीला उससे कहती है, इतने देर से तो सिर्फ पोछा ही लगा रही थी, ये कपड़े कौन तेरा बाप धोएगा? जल्दी से इन कपड़ों को कुएं पर ले जाकर और फटाफट धोकर ला, समझी? आरती चुपचाप उन कपड़ों को उठा लेती है और उन्हें लेकर कुएं के पास धोने चली जाती है। आरती के हाथ बहुत नाजुक थे, कुएं से पानी खींचते वक्त उसके हाथों में बहुत दर्द होता था। आरती कपड़े धोने के लिए कुएं से पानी निकालती है कि तभी उसके हाथों से बाल्टी कुएं के अंदर छूट जाती है। आवाज सुनकर फौरन वहां पर सुशीला भागती हुई आती है और गुस्से में कहती है, अरे कलमोही, अब कौन सा नुकसान कर दिया है तूने? ये आवाज कैसी आई? मैंने कुछ नहीं किया माँ, पानी के बाहर से रस्सी टूटकर बाल्टी कुएं में गिर गई। क्या क्या कहा तूने? बाल्टी कुएं में गिरा दी तूने? अब तू ही कुएं में से जाकर बाल्टी लेकर आएगी, समझी? मैं कुएं में कैसे जाऊंगी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, समझी? मैंने कहा ना, कुएं में उतर और बाल्टी लेकर आ। आरती को कुएं के अंदर जाने से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अगर वो सुशीला की बात नहीं मानती तो सुशीला उसकी बहुत पिटाई करती, इसलिए वो आंख बंद करके कुएं के अंदर कूद जाती है। आरती को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी के गहराई में जाती जा रही थी। अचानक से वो एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है, यहाँ सब कुछ कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। कुएं के अंदर इतनी सुंदर जगह थी, मुझे इसके बारे में पहले तो कुछ मालूम ही नहीं था। आरती आगे बढ़ने लगती है। वो चलती जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ आरती को देखकर उसे कहता है, सुनो बेटी, मेरे पके हुए फलों के भार की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो आम के पेड़, मैं अभी तुम्हारे पके हुए फलों को तोड़कर तुम्हें हल्का कर देती हूँ। ऐसा कहकर आरती पेड़ से फलों को तोड़ लेती है और पेड़ को हल्का कर देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, तुम आगे बढ़ो बेटी। उसके बाद आरती और आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद आरती को एक डरावनी सी जादूगरनी दिखती है, जिसे देखकर आरती डर जाती है। तब वो जादूगरनी कहती है, तुम मुझसे डरो मत लड़की, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना, तुम मुझे खाओगी तो नहीं? नहीं बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई थी, मैं कुएं में बाल्टी लाने के लिए उतरी थी, परंतु मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए मैं कुएं के अंदर डूब गई और अचानक यहाँ पहुँच गई। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। मुझे तो घर का सारा काम पहले से ही आता है जादूगरनी जी। ठीक है, आओ फिर तुम मेरे घर के अंदर चलो। आरती जादूगरनी के साथ वहीं रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आरती की माँ सुशीला कुएं में झांकते हुए खुद से ही कहती है, ये लड़की वापस क्यों नहीं आई, क्यों डूब कर मर तो नहीं गई? चलो अच्छा ही है, इस काली कलूटी का मैं करती भी क्या, मर गई सही है। दूसरी तरफ आरती और जादूगरनी के घर का सारा काम करने लगी। वो जादूगरनी के कपड़े धोती थी और उसके घर में झाड़ू पोछा भी लगाती थी।
और उसके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी बनाती थी। ये लो जादूगरनी जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आई हूँ। जादूगरनी सारा खाना तुरंत चट कर जाती है और कहती है, अरे वाह लड़की, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी, तभी उसके पास जादूगरनी आती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो, कोई बात है तो मुझसे कहो। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है जादूगरनी जी, मैं आज से पहले कभी माँ के बिना नहीं रही हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है क्या? नहीं जादूगरनी जी, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, क्योंकि मैं दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ ना। माँ को हमेशा से गोरे बच्चे अच्छे लगते थे, परंतु मैं काली पैदा हो गई। मेरी छोटी बहन बहुत गोरी है, इसलिए माँ उसको ही बस प्यार करती है। लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, और इसीलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर तुम्हें और नहीं रखूंगी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी आरती को एक जादुई गोल्डन झरने के पास लेकर जाती है और कहती है, तुम इस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाओ, फिर देखना तुम अपने घर पहुँच जाओगी, लेकिन उससे पहले तुम ये लेती जाओ। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादू से एक बाल्टी प्रकट करती है जिसमें सोना भरा हुआ था। वो सोने से भरी बाल्टी जादूगरनी आरती को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी। इतना कहकर आरती सोने से भरी बाल्टी को लेकर झरने के नीचे खड़ी हो जाती है। झरने के नीचे खड़े होते ही आरती दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है। जब उसे ये बात महसूस होती है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है, वो बहुत खुश होती है। तभी अचानक से वो गायब हो जाती है और अपने घर के बाहर प्रकट हो जाती है। आरती को उसकी बहन सोनिया देख लेती है और कहती है, माँ माँ देखो आरती दीदी। वाह आरती दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी वहाँ पर सुशीला भागती हुई आती है। वो आरती के हाथ में सोने से भरी बाल्टी देखकर कहती है, अरे ये तो असली सोना है, तुम्हें कहाँ से मिला? ये सोने से भरी बाल्टी मुझे जादूगरनी ने दी है, वो जादूगरनी कुएं के अंदर रहती है माँ। आरती की ये बात सुनते ही सोनिया कहती है, क्या वो मुझे भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बना देगी? मुझे भी जाना है जादूगरनी के पास। माँ मुझे भी खूबसूरत होना है, मुझे भी ढेर सारा सोना चाहिए। इतना कहकर सोनिया कुएं में कूद जाती है और उसी दुनिया में पहुँच जाती है। ये क्या, यहाँ तो कोई जादूगरनी ही नहीं है, लगता है सारथी की बच्ची ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। थोड़ा आगे चलकर देखती हूँ। सोनिया आगे चलती है तो उसे वही पेड़ मिलता है। पेड़ सोनिया से कहता है, सुनो बेटी, मेरे पके हुए फलों के भार की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पेड़ से पके हुए फलों को तोड़कर मुझे थोड़ा हल्का कर दोगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। देखो मैं तुम्हारे फल तो तोड़ देती, लेकिन मुझे अभी सुंदर होना है। मैं वहाँ से वापस आते वक्त तुम्हारे लिए फल तोड़ दूंगी, अभी तो मुझे जाने दो। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी बेटी, और मेरी टहनी टूट जाएगी। और अगर मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँची तो मैं खूबसूरत नहीं हो पाऊंगी। इतना कहकर सोनिया आगे चली जाती है। तभी उसे जादूगरनी दिखती है। जादूगरनी को देखकर सोनिया कहती है, मुझे खूबसूरत बना दो जादूगरनी, मैं आरती की छोटी बहन हूँ। लेकिन तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो, फिर तुम्हें खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे आरती दीदी से ज्यादा खूबसूरत दिखना है, मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। परंतु तुम्हारी बहन ने तो मेरे साथ काफी दिनों तक रहकर मेरी खूब सेवा की थी। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे सुंदर होकर वापस भी जाना है, तुम मुझे जल्दी से सुंदर कर दो। चलो ठीक है, मेरे साथ चलो। उसके बाद जादूगरनी सोनिया को भी उसी जादुई गोल्डन झरने के पास लेकर जाती है और उसे वहाँ पर खड़े होने के लिए कह देती है। सोनिया खुश होकर उस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वो गोल्डन झरना उसको बेहद काला, बदसूरत और भद्दा बना देता है। सोनिया को जब तक इस बात का एहसास होता तब तक वो गायब होकर अपने घर पहुँच जाती है। उसे जैसे ही मालूम पड़ता है कि वो बेहद काली हो गई है तो उसे अपनी हरकतों पर बहुत अफसोस होता है। साथ में सुशीला को भी
अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके भेदभाव की वजह से ही दोनों बेटियों में इतना अंतर है। अब वो अपनी गलती समझ जाती है और दोनों बेटियों को एक समान प्यार करने लगती है। परंतु सुशीला की गलती की सजा आजीवन सोनिया को भोगनी पड़ती है। परी की जादुई तीन नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी तीन बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी तीन बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की तीन बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ के दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं, बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं? वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवा कर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल,
ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपके मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी, समझी। अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। माँ की माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला खुद कमाकर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो, इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है, मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरों से भरी हुई है जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है, दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है, तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब यही रह जाएगा, अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद, इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है, दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत पैसे हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर
ऊपर आ जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है। परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है, जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। माँ की जादुई सिलाई मशीन। सहारनपुर गांव में आस्था नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता ने पूजा से दूसरी शादी कर ली थी। आस्था के पिता मोहन को लगा कि आस्था की नई माँ पूजा आस्था को बहुत प्यार से रखेगी, लेकिन पूजा ने मोहन से केवल उसके पैसों के लिए ही विवाह किया था। एक दिन मोहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, लेकिन पूजा ने उसकी अच्छे से देखभाल भी नहीं की, जिसकी वजह से मोहन की भी मृत्यु हो गई। मोहन और पूजा की एक बेटी अवनीत भी थी। आस्था दिखने में बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन अवनीत इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए अवनीत हमेशा आस्था को परेशान करती रहती थी और दोनों माँ बेटी मिलकर उससे सारे घर का काम करवाते थे। सुबह से तुझसे चार बर्तन नहीं धुले गए, सारे घर का काम कब करेगी और खाना कब बनाएगी? माँ, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, ऊपर से आज बर्तन बहुत सारे थे, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बर्तन धोने के बाद मैं फटाफट घर का काम कर लूँगी और उसके बाद खाना भी बना दूंगी। तबीयत खराब तो तेरा बहाना है काम ना करने का, तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं, तेरी माँ भी बिल्कुल तुझ जैसे काम चोर ही होगी। मेरी बेटी को भूख लगी है, समझी? जल्दी से जाकर उसके लिए कुछ खाने को बना। आस्था पर दोनों माँ बेटी मिलकर ऐसे ही जुल्म करते रहते और जो बचा कुचा खाना बचता था आस्था को वही खाना पड़ता था। उस दिन आस्था की तबीयत बहुत खराब थी। सारा काम खत्म करने के बाद आस्था अपने कमरे में उदास बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? नहीं पूजा माँ मुझे भी पसंद नहीं करती और आपको भी पसंद नहीं करती। जब आप मेरे साथ थी तो मेरी कितनी अच्छे से देखभाल करती थी, आप कहाँ चली गई माँ? ऐसे ही दिन बीतते गए। पूजा और अवनीत दोनों किसी न किसी बहाने हमेशा आस्था को परेशान करते रहते थे। एक दिन पूजा और अवनीत शॉपिंग करने जा रहे थे। आस्था, जल्दी से जाकर अवनीत को तैयार कर दो, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। जी माँ। आस्था अवनीत को तैयार कर देती है। घर से निकलते समय अवनीत अपनी माँ से कहती है, माँ, इस मनुष्य पर भरोसा मत करना, रसोई में बहुत सारे काजू बादाम रखे हैं, कहीं ये सब खा ना जाए, इसलिए चक्र आप रसोई घर में ताला लगा आइए। तू सही कहती है बेटी। उसके बाद पूजा रसोई घर में ताला लगाकर अवनीत के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। बाहर शॉपिंग करने मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मेरा भी मन करता है जाने का, लेकिन माँ मुझे लेकर ही नहीं जाती। आस्था अकेली बैठी थी कि तभी फोन बजा। आस्था फोन उठाती है। हेलो, क्या मैं मिस आस्था से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आप कौन? मिस आस्था, बधाई हो, आप पूरे 10,000 रुपए जीत गई। क्या कहा, 10,000 रुपए? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, मैं फैशन डिजाइनिंग अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। 4 महीने पहले हमने आपके गांव के बाजार में एक प्रतियोगिता रखी थी। इस प्रतियोगिता में वेस्ट मटेरियल से ड्रेस बनानी थी, क्या आपको याद है? आप अपने हाथ से सब्जियों का थैला लेकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुँची थी। इस प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं, कंग्रेचुलेशन, आप फर्स्ट प्राइज जीत चुकी हैं।
आस्था ये सुनकर बहुत खुश हुई। जी जी मुझे याद है, अब आप ये बता दीजिए कि मुझे मेरा इनाम कैसे मिलेगा, आप घर आकर देंगे या मैं खुद आकर ले जाऊँ? आपको आना पड़ेगा, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, उसी एड्रेस पर आप कभी भी आ जाना। उसके बाद आदमी आस्था को एड्रेस बताता है। फोन कटने के बाद आस्था कहती है, यही अच्छा मौका है, माँ भी घर पर नहीं है, माँ के आने से पहले ही मैं जाकर अपने 10,000 रुपए ले आती हूँ। उसके बाद आस्था उस एड्रेस पर जाकर अपने नाम के 10,000 रुपए ले लेती है। घर आते समय वो अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर लाती है। सिलाई करना तो मेरा शौक है और मुझ में हुनर भी है, ये हुनर मुझे मेरी माँ से मिला है, पर मेरे पास सिलाई मशीन ही नहीं थी, लेकिन आज मैं सिलाई मशीन भी ले आई, अब मैं जैसा चाहूँ वैसे कपड़े सिल सकती हूँ। उसके बाद आस्था अपनी मशीन पर कपड़े सिलने लग जाती है। कुछ ही समय में आस्था एक बहुत सुंदर गाउन बनाती है। इतने में ही उसकी माँ और बहन शॉपिंग कर घर लौटते हैं। सिलाई मशीन देखकर उसकी माँ कहती है, बाप रे बाप, इतनी महंगी सिलाई मशीन तुझे किसने ला कर दी? आस्था सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी माँ को क्या कहे। वो हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, वो मैंने एक कॉम्पिटिशन जीता था तो ये मशीन मुझे वहाँ से इनाम के रूप में मिली है। सुन रही हो माँ, हमारे पीठ पीछे ये महारानी घूमने फिरने और अपने इनाम लेने चली जाती है। नहीं नहीं छोटी, वो लोग घर पर आकर ही सिलाई मशीन दे गई थे। तभी अवनीत की नज़र उस सुंदर गाउन पर जाती है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है, अब ये गाउन मेरा है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं छोटी, जो मेरा है वो तेरा ही है, तू इसे रख ले। लेकिन जो मेरी बेटी का है वो तेरा बिल्कुल नहीं है। आई बड़ी सिलाई करने वाली महारानी, जाकर कुछ काम कर, घर के काम में मन लगाएगी तो मैं भी तुझसे खुश रहूंगी ना। आस पड़ोस के लोगों को जब आस्था की सिलाई मशीन के बारे में पता चलता है तो आस्था के पड़ोसी आस्था से कपड़े सिलवाने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आस्था से अब गांव के बहुत लोग कपड़े सिलवाने लगे। इन सब से आस्था को बहुत पैसे मिलते थे, लेकिन वो सारे पैसे उसकी माँ छीन लेती थी। घर के काम के साथ साथ आस्था लोगों के कपड़े भी सिला करती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा आस्था के पास आकर बोली, कितने पैसे हुए तेरी सिलाई के? जितने भी पैसे बने हैं ला, सारे पैसे मुझे दे। आस्था सारी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से कहती है, लेकिन माँ, मैं इतनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिलती हूँ और बिना कुछ कहे आपको सारे पैसे दे देती हूँ, इसलिए अब मैं अपनी सिलाई के पैसों में से आपको सिर्फ 1/4 भाग ही दूंगी। ये सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। क्या कहा, जुबान लड़ाने लगी है मुझसे? सिलाई कर रही है तो खुद को क्या मास्टर नहीं समझ रही है? रुक जा, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये कहती हुई पूजा आस्था की सिलाई मशीन तोड़ देती है। पैसे कमाने लग गई है इसलिए तुझे घमंड हो रहा है, अब तेरा घमंड मिट्टी में मिल गया होगा। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। आस्था अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठकर रो रही थी। मैंने क्या गलत किया था जो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? ऊपर वाला मुझे किस बात की सजा दे रहा है? माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ या आप ही मेरे पास वापस आ जाओ। कुछ देर बाद आस्था के कमरे में रोशनी बढ़ जाती है। आस्था का ध्यान सिलाई मशीन से हटकर रोशनी पर चला जाता है। अचानक से मेरे कमरे में पहले से ज्यादा उजाला कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। कि तभी आस्था को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती और तुम्हें अपने साथ ले जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आस्था अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही खुशी से चारों ओर देखने लगती है। माँ, कहाँ हो आप? बहुत आग में चोले खेल दी मेरे साथ, अब बस हुआ, अब बस मेरे सामने आ जाओ माँ। कि तभी आस्था के सामने उसकी माँ एक परी के रूप में प्रकट होती है। माँ, आप एक परी बन चुकी हो, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बेटी, मरने के बाद मैं एक परी बन चुकी हूँ, तो मुझे दिल से दिन रात याद करती थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे तुझसे मिलने का एक मौका दिया। उसके बाद आस्था अपनी माँ के गले लग जाती है। मैं जानती हूँ बेटी कि तू बहुत तकलीफ में है, तेरी दूसरी माँ ने तेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी, मेरा ही दिमाग खराब था जब मैंने तेरे पिता को अपने मरने के बाद दूसरी शादी करने को कहा, मुझे नहीं पता था कि वो तुझे इतना दुख देगी, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहती हुई परी माँ अपने जादू से टूटी हुई सिलाई मशीन को जोड़ देती है और कहती है, अब जल्दी से खुश हो जाओ। वाओ माँ, मेरी सिलाई मशीन तो जुड़ गई। नहीं बेटी, तुम्हारी सिलाई मशीन अब भी टूटी हुई है, लेकिन ये मशीन जादुई बन गई है, इसलिए ये सबको जुड़ी हुई ही नजर आएगी। कोई फायदा नहीं माँ, वो आकर इसे फिर से तोड़ देंगी।
चिंता क्यों करती हो? ये मशीन अब जादुई बन चुकी है। इस मशीन से तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी और कोई भी इस मशीन को तोड़ने की कोशिश करेगा, ये मशीन उसे खुद ब खुद सजा देगी। मशीन तोड़ने वाले की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या सच में अब बहुत अच्छी हो माँ? बेटी अब मुझे जाना होगा, अब मैं चलती हूँ। पृथ्वी लोक पर रहने का समय खत्म हो चुका है। आस्था नम आंखों से अपनी माँ को विदा करती है। अगले दिन उसकी सौतेली माँ आकर देखती है कि उसकी सिलाई मशीन फिर से जुड़ गई। मैंने तो तेरी सिलाई मशीन तोड़ दी थी, फिर ये वापस कैसे जुड़ सकती है? जरूर तूने पहले से दो सिलाई मशीन खरीद कर रखी होगी और मुझे छुपा दी होगी। कोई बात नहीं, मैं इसे भी तोड़ दूंगी। नहीं माँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे धमकी देती है, रुक। इसके बाद पूजा सिलाई मशीन को तोड़ने के लिए अपनी बेटी अवनीत से एक हथौड़ा मंगवाती है। उसके बाद उस हथौड़े से मशीन पर जोर से वार करती है। मशीन पर वार करते ही पूजा को जोर से करंट का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। उसे देखकर उसकी बेटी चिल्लाई, माँ ये क्या हो गया आपको? जरूर इस आस्था ने ही कुछ किया होगा, तेरी मशीन तो मैं अपने हाथों से खुद तोड़ूंगी। ये कहती हुई अवनीत भी उस मशीन पर वार करती है और उसकी माँ की तरह अवनीत को भी जोरों का झटका लगता है। मैंने आप दोनों से कहा था ना कि ऐसा मत कीजिए, अब आपने देख लिया ना इसका अंजाम। अब आगे से मेरी मशीन को छूने की हिम्मत मत करना, वरना अगली बार इससे भी तगड़ा झटका लगेगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने आस्था के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब वो दोनों आस्था से घर का काम भी नहीं करवाती थी और उसे खुद गर्मा गर्म खाना परोसती थी। आस्था मन ही मन सोचती थी, मैं चाहती थी कि इन दोनों के मन में मेरे लिए प्यार हो, लेकिन ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। डर से ही सही, लेकिन अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो करती है।